फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये होली का पर्व एवं त्योहार मंगलमय हो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि मार्च का महीना है, इसमें कुछ बहुत जरूरी काम करने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, और कुछ ड्यू डेट्स ऐसी भी हैं जो पहली बार आ रही हैं, इसके पहले नहीं होती थी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा जिससे आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। एक बार आपको होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं, सबसे पहले है 7 मार्च 2023 यानी कल। यहाँ पर हमारी ड्यू डेट है वो टीडीएस से रिलेटेड है, यानी ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय एन एसएसी अदर देन एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी महीने की जो ड्यू डेट है टैक्स डिपॉजिट करने की, जो आपने टीडीएस काट रखा है, वो आपको कल यानी 7 मार्च तक अवश्य जमा कर देना है। इसके बाद बात करते हैं हम जीएसटी रिटर्न की, यानी GSTR 1 और IFF की। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उन्होंने QRMP स्कीम नहीं ले रखी है, यानी मंथली ऑप्ट कर रखा है, तो उन्हें GSTR 1 अपना 11 मार्च तक जमा करना है। और जिन लोगों को IFF स्कीम के अंतर्गत जमा करना है उनके लिए 13 मार्च तक आपके पास ड्यू डेट है। तो इन ड्यू डेट्स का जरूर ध्यान रखें और अपना GSTR 1 और IFF टाइम से जमा करें। इसके बाद डेट आती 15 मार्च 2023 की। जो आप अपना ITR फाइल करते हैं उसके लिए आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता। कई बार हम ये एडवांस टैक्स समय से जमा करना भूल जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि 15 मार्च 2023 आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जमा करने की है, यानी आपको जो एडवांस टैक्स जमा करना है उसकी चौथी किस्त आप 15 मार्च 2023 तक अवश्य जमा कर दें। इसके बाद बात आती है 20 मार्च 2023 की। 20 मार्च 2023 को हमारी कौन सी डेट है? GSTR 3B की। GSTR 3B जो मंथली रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं उसके लिए, फॉर टैक्स पेयर्स विद एनुअल टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़, जिनका 5 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर है, उनको अपना GSTR 3B 20 मार्च तक जमा कर दें। फॉर टैक्स पेयर हु इज नॉट ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़, अगर आपने QRMP स्कीम नहीं ले रखी है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको भी ये 20 मार्च 2023 तक जमा करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 25 मार्च 2023 की। 25 मार्च 2023 जो है वो उन लोगों के लिए है जो PMT 06 फाइल करते हैं। PMT 06 मतलब जो चालान है, पेमेंट ऑफ टैक्स इन PMT 06 बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू फाइल रिटर्न अंडर QRMP स्कीम इन PMT 06 चालान फॉर फरवरी मंथ। तो जिन लोगों ने QRMP स्कीम ले रखी है उन्हें अपना फरवरी महीने का जो टैक्स जमा करना है वो PMT 06 से जमा करना है और उसकी ड्यू डेट है 25 मार्च 2023। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जो कि 31 मार्च 2023 को हैं, जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है और नोट डाउन भी करनी पड़ेगी। क्यों? एक तो अगर CMP 02 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है, तो अगर हमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है कब के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो हमारे लिए ड्यू डेट होगी 31 मार्च 2023, यानी CMP 02 द ड्यू डेट फॉर टैक्स पेयर्स टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24।
इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं। 31 मार्च 2023 को ही हमारी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ड्यू डेट है, और वो किस फाइनेंशियल ईयर की है वो भी बात कर लेते हैं। लास्ट डेट टू ई फाइल अपडेटेड आईटीआर फॉर इनकम रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2021 का अगर हमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे या किसी कारण से हमें अपडेटेड आईटीआर फाइल करना है, तो हम 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट यही है कि अगर हमने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है। यानी लास्ट डेट टू लिंक पैन एंड आधार विद अ पेनाल्टी ऑफ ₹1,000। जिन लोगों ने अभी अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है यानी उनका आधार पैन लिंक नहीं है, तो वो ₹1,000 पेनाल्टी जमा करके अपना आधार पैन लिंक कर सकते हैं। लेकिन आधार पैन लिंक करने से पहले आप जरूर वेबसाइट पर जाकर के ये देख लें कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। जिन लोगों ने लिंक करा रखा या नहीं करा रखा या जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है वो वहां जाकर के चेक कर लें, या मेरे इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि कैसे आपको चेक करना है और कैसे आपको आधार पैन को लिंक करना है। क्योंकि अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा, और अगर इनवैलिड हो गया तो फिर आपको ₹10,000 पर पैन नंबर जहां पर भी आपने यूज किया है उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, ये जो पेनाल्टी ₹1,000 है ये केवल लिंक करने की फीस है। अगर आप आधार और पैन अपना लिंक करना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी आप ₹1,000 जमा करके अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी 31 मार्च तक नहीं किया तो फिर आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो पेनाल्टी लगेगी ₹10,000 की। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें और अपना आधार पैन जरूर से जरूर लिंक करा लें। एक बार आपको फिर से होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।